ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा, उसमें ये नॉट वाला जो सीन है ना, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फैक्ट्स में क्या करा था कि उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अपना प्राइस पूरा पे कर दिया था, तो मतलब उसने पूरी प्राइस पे कर चुका है ना। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर अजय को अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, अजय को अलाउ नहीं किया गया वो चीज़ रिकवर, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए, तो ये तो उसके साथ इनजस्टिस होगा। क्यों इनजस्टिस होगा? ये इसलिए इनजस्टिस होगा क्योंकि भाई उसने फुल एंड फाइनल पेमेंट दे दी है। अब वो इंसान पैसा देने के बाद एक मेजर, देखिए अगर देखा जाए तो 18 साल का, तो 18 साल की तो बंदिता हो गई थी। ठीक है, अब वो गार्जियन वाला केस है तो उसके साथ ये इनजस्टिस होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 19, 20, 21 और 22, इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास रूल और फैक्ट आ गए हैं। ठीक है, किन क्वेश्चन के लिए भैया? 19, 20, 21 और 22। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए तो देख लेते हैं कि रूल्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे कि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फिर इन चारों क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो रूल की ओर बढ़ते हैं और पहला रूल देखते हैं। पहला रूल कह रहा है कि द एक्ट ऑफ यूजिंग थ्रेड्स टू फोर्स अनदर पर्सन, ठीक है, अगर द एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स टू थ्रेट अनदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई किसी इंसान को जब आप थ्रेट करते हो कि आप फोर्स यूज करोगे, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कोई एक्ट करोगे जो आईपीसी में बार्ड है, ठीक है, और किस चीज के लिए? उसे फोर्स करने के लिए। किस चीज के लिए फोर्स कर रहे हो आप उसे? टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोअर्जन। क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं कोअर्जन। ठीक, तो कोअर्जन से अगर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो कैसा होता है, जल्दी से बताइए? वो होता है आपका वॉइडेबल। किसके बिहाफ पे वॉइडेबल होता है? उस पार्टी के बिहाफ पे जिस पार्टी की कंसेंट कोअर्जन से ली जाती है। ठीक है, समझ गए यहां तक बात को? चलिए, तो ये बोल रहा है कि भाई जब भी आप किसी इंसान के अगेंस्ट कोई थ्रेट यूज करेंगे, ठीक है, उसे फोर्स करने के लिए, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो वो कोअर्जन कहलाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात हम आपकी समझ गए। ठीक, समझ गए ना इतनी बात? चलिए, तो अगली चीज ये क्या कह रहा है कि द एक्ट ऑफ यूजिंग थ्रेट, ठीक है, बी कह रहा है कि द एक्ट ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अनदर एंड टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट पर्सन इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन की अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ले रहे हैं तो, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आप एक एडवांटेज ले रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि आप एक डोमिनेटिंग पोजिशन पे हैं। किस पे हैं आप एक डोमिनेटिंग पोजिशन पे हैं। ठीक है, आप उसे डोमिनेट करते हैं, आप उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हैं, आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, तो वो क्या होगा? अनडू इन्फ्लुएंस होगा। सी कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रूव कोअर्जन, अगर आपको प्रूव करना है कोअर्जन को, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द यूज ऑफ थ्रेट इन एनी फॉर्म एंड मैनर इज नेसेसरी। ठीक है, तो वो जो थ्रेट यूज किया गया ना, उसका एग्जिस्टेंस किसी भी फॉर्म में या किसी भी मैनर में जरूरी होता है, ठीक है, नेसेसरी होता है। और अगर कोअर्जन प्रूव किया गया, द पर्सन हु हैज बीन सो थ्रेटन्ड कैन रिफ्यूज टू अबाइड बाई दी कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोअर्जन प्रूफ कर दिया गया तो वो बंदा, ठीक है, जिसकी जो कंसेंट है वो कोअर्जन से ली गई है, वो क्या कर सकता है? वो रिफ्यूज कर सकता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किस क्या करने के लिए? एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन रूल डी क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रूव अनडू इन्फ्लुएंस, अगर आपको अनडू इन्फ्लुएंस को प्रूव करना है, क्या करना है? अगर आपको अनडू इन्फ्लुएंस को प्रूव करना है, देयर हैज टू बी अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो पार्टीज के बीच में एक प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही। ठीक है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनके बीच में एक प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। द रिलेशनशिप हैज टू बी ऑफ सच अ नेचर दैट वन इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द अदर, और वो रिलेशनशिप कुछ ऐसी नेचर की होनी चाहिए जिसमें जो पहला आदमी है ना, वो दूसरे आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो ऐसी पोजिशन में है कि वो दूसरे आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, यहां तक हम बात को समझ गए? चलिए,
इफ इट इज प्रूवन दैट देयर हैज बीन अंडू इन्फ्लुएंस, और अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो द पार्टी हु हैज बीन सो इन्फ्लुएंस नीड नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पार्टी जिसके साथ अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसे इन्फ्लुएंस किया गया है, वो क्या करेगी, वो नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकती है, उसके ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से मना कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल बनाने से मना करती है। अच्छा, इन दोनों ही चीज में वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, वॉइडेबल होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके के, क्योंकि यहाँ पे कहीं वॉइड और वॉइडेबल की बात की नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि कोअर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस अगर होता है तो जो पार्टी जिसके साथ हो रहा है, जिसकी कंसेंट उस तरीके से इंड्यूस की जा रही है या कोअर्ज की जा रही है और उनकी कंसेंट ली जा रही है, तो वो फ्री विल नहीं है, और फ्री विल इज अ एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल बनाने से मना कर सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इस बात को जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, विशिएटिंग फैक्टर्स के बारे में हमने लेक्चर किया हुआ है, तो हम सभी इस चीज को जानते हैं, हमें किसी को भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, आप लोग ये बिल्कुल मेरी वार्निंग समझ लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है विद एग्जांपल्स, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी इसमें आ रही होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं फैक्ट्स पे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल है ना, वो दो विशिएटिंग फैक्टर्स से डील कर रहे हैं। किससे डील कर रहे हैं? दो विशिएटिंग फैक्टर्स से डील कर रहे हैं। अब वो विशिएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं बताइए, जरा जल्दी से बताइए कि वो विशिएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो वो विशिएटिंग फैक्टर्स हैं, पहला है आपका, क्या है पहला, पहला है आपका पहला है आपका क्या है कोअर्जन, क्या है कोअर्जन, और दूसरा है आपका अंडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, पहला है कोअर्जन, दूसरा है अंडू इन्फ्लुएंस। समझ गए यहां तक बात, क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता दीजिए, दिल खोल के बोल दीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है हमने, है ना, नहीं है ना दिक्कत। चलिए, तो फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं कि आदिल एंड बालू आर बेस्ट फ्रेंड। आदिल और बालू जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड है। कैसे फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड है आदिल और बालू। ठीक, यहां तक हम बात को समझ गए। आदिल इज द सन ऑफ अ मल्टी मिलेनियर बिजनेस पर्सन, और आदिल जो है वो मल्टी मिलेनियर बिजनेस पर्सन का क्या है, सन है। चुलबुल हु ओन्स माखन फार्मास्यूटिकल्स, और चुलबुल क्या है, चुलबुल है जो कि मल्टी मिलेनियर बिजनेस पर्सन है, जिनके सन है आदिल, और चुलबुल क्या करते हैं, चुलबुल माखन फार्मास्यूटिकल्स को ओन करते हैं। ठीक है, ठीक, समझ गया हमें यहाँ तक। आदिल जो है वो चुलबुल के सन है, चुलबुल एक मल्टी बिलेनियर है, और चुलबुल किस कंपनी को ओन करते हैं, चुलबुल माखन फार्मास्यूटिकल्स को ओन करते हैं। ठीक, चलिए, बालू इज द सन ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय, और बालू क्या है, बालू एक बैंक एम्प्लॉय का सन है। किसका सन है बालू, बालू एक बैंक एम्प्लॉय का सन है। अरे भाई, बैंक एम्प्लॉय का नाम क्या है, धनराज। क्या नाम है बैंक एम्प्लॉय का नाम, धनराज। वन डे आदिल इज एबडक्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय बालू, एक दिन बालू ने क्या किया, आदिल को एबडक्ट कर लिया उसके ऑफिस से। चुलबुल रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम धनराज टेलिंग हिम दैट इफ ही डज नॉट मेक बालू द सीईओ ऑफ माखन फार्मास्यूटिकल्स, आदिल विल बी किल्ड। और वो बोलता है कि अगर आपने बालू को सीईओ नहीं बनाया, कहाँ का, माखन फार्मास्यूटिकल्स का, तो जो आपका बेटा है आदिल वो मार दिया जाएगा। ठीक है, चुलबुल रिलक्टेंटली एग्रीज टू मेक बालू द सीईओ, और चुलबुल ना चाहते हुए भी बालू को सीईओ बना देता है। सब्सिक्वेंटली चुलबुल एंड बालू साइन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद चुलबुल और बालू क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, और उस however, as soon as Adil is released and safely returns home, Chulbul tells Balu that he shall not enforce the employment contract. Balu and Dhanraj are not sure as what is to be done next. चलिए, समझ गए, फैक्ट नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, आदिल और बालू दो बेस्ट फ्रेंड है, आदिल और बालू। ठीक, तो आदिल और बालू, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, आदिल और बालू जो है ना आपके ए और बी। ठीक,
और उनके पिताजी के नाम क्या हैं? चुलबुल और धनराज। इनके फादर चुलबुल, इनके फादर धनराज, ए बी सी डी। और कंपनी का नाम क्या है? माखन फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर? देखिए, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, बिल्कुल है। बी क्या करता है, एक दिन ए को अरेस्ट कर एबडक्ट कर लेता है उसके ऑफिस से। और फिर बी के फादर डी क्या करते हैं, सी को फोन करते हैं। सी कौन है? ए के फादर। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आदिल और बालू जो हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके फादर हैं चुलबुल और धनराज। ये मल्टी बिलियनियर कंपनी माखन फार्मास्यूटिकल्स के ओनर हैं और ये एक बैंक एम्प्लॉय हैं। एक दिन बालू क्या करता है, आदिल को करता है एबडक्ट उसके ऑफिस से। उसके बाद धनराज और बालू मिलकर के क्या, चुलबुल को फोन करते हैं, बोलते हैं कि अगर तुमने बालू को अपनी कंपनी माखन फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ नहीं बनाया तो तुम्हारा बेटा जो आदिल है उसे हम मार देंगे। ठीक है, ही विल बी किल्ड। ये रिलेक्टेंटली चुलबुल ना चाहते हुए भी बालू को बना देता है, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और जैसे ही आदिल वहां से छूट करके आता है, वो क्या कहता है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, अब बालू और धनराज जो है ना, वो बेचारे, उनकी बिल्कुल दिमाग की फिरकन्नी घूम गई है कि अब हम क्या करें। ठीक है, हमने भाई एबडक्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी हमें तो जॉब नहीं मिल रही। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चंस के बाद हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 19 की, एज पर द रूल्स एंड द गिवन फैक्ट्स हु कोअर्सेस हुम। ठीक है, तो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे जो रूल्स हैं उनके हिसाब से किसने दूसरे आदमी के खिलाफ कोअर्जन का यूज किया है। ठीक है, यही पूछ रहा है, ये चीज क्लियर है, यही पूछ रहा है ना ये। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमारे फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स हमने यहाँ पे पूरे देख लिए थे। ठीक है ना, आदुल बालू है ना, और उनके पिताजी चुलबुल और धनराज। ठीक, तो कौन कौन है, आदिल है, ठीक है, और बालू हैं, ये दोनों आपके दोस्त हैं। ठीक, और इनके पिताजी हैं दोनों के, क्या नाम है, आदिल के पिताजी का नाम है चुलबुल और बालू के धनराज। ठीक है, चुलबुल और धनराज। एबडक्ट किसने किया, बालू ने है ना, बालू ने आदिल को है ना, बालू एबडक्टेड आदिल। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है ना। अब बाद में जब फोन कॉल होता है तो फोन कॉल कौन करता है? ठीक, चुलबुल रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम धनराज। ठीक, चुलबुल को कॉल आता है, किसकी आती है, धनराज की आती है। ठीक, और धनराज उसे क्या बोलता है कि मैं आपके बेटे को मार दूंगा अगर आपने बालू को अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, मालिक नहीं, सीईओ नहीं बनाया। ठीक, अब मारना यानी कि किल करना, यानी कि मर्डर करना। मर्डर क्या है, क्राइम है, किस तरीके का? ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एक्ट जिसे आईपीसी ने बार कर रखा है। ठीक है, एनी एक्ट बार्ड बाय दी आईपीसी। तो क्राइम करने का किसने बोला, धनराज ने। तो कोअर्जन किसने यूज किया, थ्रेट किसने दिया फोर्स यूज करने का, धनराज ने। ठीक है, किसको, चुलबुल को। तो धनराज कोअर्सेस चुलबुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर हो जाएगा धनराज कोअर्सेस चुलबुल। ठीक है, गेटिंग इट, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इन दी अबव फैक्ट सिचुएशन, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये हमें जो चीज है ये ऑप्शन से ही समझ में आएगी। ठीक, तो ये कह रहा है कि इन दी अबव फैक्ट सिचुएशन देयर इज अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय धनराज ऑन बालू, देयर इज अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय आदिल ऑन चुलबुल, देयर इज नो अंडू इन्फ्लुएंस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए, आदिल और बालू दोस्त हैं, इनके पिताजी ये मल्टी मिलेनियर चुलबुल जी, ठीक है, माखन फार्मास्यूटिकल्स के कौन है, ये ओनर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। बालू के पिताजी धनराज, ठीक, इसने एबडक्शन किया। ठीक है, क्लियर है, एबडक्शन इसने किया,
ठीक। और धनराज ने क्या किया, कोर्जन का यूज किया। ठीक। अब यहां बताइए, इन सब में किसी ने भी किसी को इन्फ्लुएंस किया गया? अंडू इन्फ्लुएंस की तो बात ही छोड़िए, आप इन्फ्लुएंस ही बताइए, इन्फ्लुएंस हुआ यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे नहीं जी, नहीं सर, नहीं हुआ। तो जब इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है भाइयों और बहनों, तो फिर यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी का आंसर सही हो जाएगा कि देयर इज नो अंडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको और समझ लेते हैं। तो ये पूछ रहा है चुलबुल इज, चुलबुल कौन है? चुलबुल हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। ठीक, चुलबुल, इनके बेटे का नाम क्या है? आदिल। ठीक है ना, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी माखन फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि चुलबुल जो है, जिसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया था कि नहीं किया था, बोलिए किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद बालू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने साइन किया था किसके साथ? बालू के साथ। और उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, क्योंकि कोअर्जन से मेरी आपने कंसेंट ली है इसमें। ये बात भी सही है। तो ये पूछ रहे हैं कि चुलबुल जो है वो रिफ्यूज करने में जस्टिफाइड है कि नहीं है। ए बोल रहा है, जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू एनफोर्स द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज चुलबुल वॉज कोअर्स्ड बाय धनराज। दूसरा बोल रहा है, जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू एनफोर्स द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज बालू वॉज कॉम्प्लिसिटी इन द कोअर्सिव एक्ट। ठीक है, सी बोल रहा है, नॉट जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू एनफोर्स द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज बालू वॉज एन इनोसेंट पर्सन एंड हैज नॉट कोअर्स्ड चुलबुल। डी बोथ ए एंड बी। ठीक, चलिए देखिए, यहां पे ए बी, ठीक है, ए सी बी डी, आदिल बालू चुलबुल धनराज। ठीक, अब धनराज ने किसे कोर्स किया था? चुलबुल को, कि आप बालू को सीईओ बनाओ। ठीक है ना, अब ये भले ही उसमें कॉम्प्लिसिटी था, लेकिन इसने कोर्स किया था क्या? नहीं, इसको एबडक्शन की सजा अलग से मिलेगी, पर जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो कोर्स किसने किया? कोर्स सिर्फ और सिर्फ धनराज ने किया। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिसिटी वाली बात है ना, ये आपकी खत्म हो जाती है। जब बी खत्म हो जाता है तो बोथ ए एंड बी भी खत्म हो जाता है। अब इतना हमें पता है कि उसकी जो कंसेंट थी है ना, वो कैसी थी? फ्री नहीं थी। उसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, ये बात हम समझ गए। ठीक है, तो ए और सी में, अब देखिए, अगर कंसेंट फ्री नहीं थी तो वो क्या है? वो जस्टिफाइड है ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ना माने, अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म ना करे। क्यों? क्योंकि उसकी कंसेंट ही फ्री नहीं थी। उसकी कंसेंट कैसे ली गई थी? कोअर्जन से ली गई थी। समझ गए यहाँ तक? तो अब अगर उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी तो ये बात भी तय हो गई कि वो जस्टिफाइड है। अब जस्टिफाइड है तो सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया ए, कि भाई चुलबुल इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू एनफोर्स द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज चुलबुल वॉज कोअर्स्ड बाय धनराज। समझ गए बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पूरे हर तरीके से, हर एंगल से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तक बिल्कुल जा करके हर एक फैक्ट को डिटेल में बात करके, ठीक है, सारे रूल्स को समझ के, पढ़ के, उसके हर तरीके के डाइमेंशंस को जान के, फिर हम हमारे आंसर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम हमारा इतना टाइम एक एक क्वेश्चंस को दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी एक ही क्या है, हमारी एक ही सोच है कि वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर नहीं हो रही है तो मेरी मेहनत बेकार जा रही है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत बेकार जाए, और मेरी मेहनत भले ही बेकार जाए पर आपका समय बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है। ठीक, आपको क्लैट देना है, आपको एनएलयू जाना है, आपको एक एनएलयू ग्रेजुएट बनना है, तो आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक सेकंड की हम कद्र करते हैं, और इसीलिए हम इतने डेप्थ में जाके आपको हर क्वेश्चन डील करा रहे हैं, ताकि आपको बाद में इन क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी ना हो, माय डियर। ठीक, तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ।
ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये शायद जहाँ तक है ये चुलबुल वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलविदा कहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी अलविदा मत कहिए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद अलविदा कहते और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो एक ये बालू वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं, फिर अलविदा कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चल। बालू विल सक्सीड इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स इन हर इफ ही कैन शो दैट। बालू जो है, बालू बालू ठीक है, बालू हम जानते हैं ना कौन है, आदिल और बालू दो दोस्त हैं, इनके पिताजी धनराज, इनके पिताजी चुलबुल, इनको क्या किया गया था, कोअर्स किया गया था, क्यों, ताकि बालू जी सीईओ बन सके। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सीईओ वाला, इसको क्या कह रहा है, चुलबुल मान नहीं रहा है, तो बालू को क्या शो करना पड़ेगा, बालू को ऐसा क्या शो करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाए उसके फेवर में, है ना। पहली चीज, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आदिल, ये सारी चीजें कोर्ट नहीं मानता है। बी, इट वॉज हिज फादर एंड नॉट ही हु यूज्ड कोअर्जन अगेंस्ट चुलबुल। सी, चुलबुल हैज प्रॉमिस्ड हिज फादर टू एम्प्लॉय हिम। डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, भले ही उसके फादर ने कोअर्स किया हो चाहे उसने कोअर्स किया हो, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेनिफिट किसे दे रहा है ना, ये नहीं देखा जाता कि द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिटिंग हुम। ठीक, क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि वहां पे फ्री विल नहीं है, वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो उसका बेनिफिट जिसे भी मिलने वाला हो, चाहे उसने कोअर्स किया हो चाहे ना किया हो, चाहे उसने अंडू इन्फ्लुएंस का यूज किया हो चाहे ना किया हो, वो चीज नहीं फुलफिल हो सकती। ठीक, तो ये चीज भी वो प्रूव कर देगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही रहेगा। चुलबुल हैज प्रॉमिस्ड हिज फादर टू एम्प्लॉय हिम, किया होगा प्रॉमिस, पर प्रॉमिसेस जब तक लीगल नहीं होते, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एक दूसरे पे बाइंडिंग नहीं होती, तब तक उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखिए, हमने बहुत बार बात करी है कि नन ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको थोड़े कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं, लेकिन कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है जब नन ऑफ द अबव भी आपका आंसर सही होता है। तो मैंने आपको ये चीज भी कही थी कि आप हमेशा ये चीज प्री डिटरमाइंड माइंड से नहीं जाएंगे आप कि नन ऑफ द अबव तो आंसर होगा ही नहीं। नहीं, नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, लेकिन सारी चीजों को पढ़ के समझ के उसके बाद ही हमें आंसर देना है। ठीक, चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26। ये चार क्वेश्चन के लिए हमें रूल दे रखे हैं और फैक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, तो रूल ए क्या कह रहा है कि व्हेन अ स्टेट अंडरटेक्स एनी मेजर द इफेक्ट ऑफ द मेजर मस्ट बी द सेम फॉर ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट। जब स्टेट कोई मेजर लेता है, जब स्टेट कोई मेजर अपने पॉलिसीज के अंडर कोई भी काम स्टेट करती है, तो उसे ये अश्योर करना चाहिए, ठीक है ना, कि जो उस मेजर के इफेक्ट हैं वो उन सभी के लिए सेम होंगे जो उससे अफेक्ट होने वाले हैं। समझ गए आप, ठीक है। रूल भी क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टेट अंडरटेक्स एनी मेजर एवरीवन अफेक्टेड मस्ट हैव एन इक्वल चांस टू बेनिफिट फ्रॉम इट। और जब स्टेट कोई मेजर बनाता है तो जितने लोग भी उससे अफेक्ट होने वाले हैं तो उनके पास इक्वल चांस होना चाहिए उस चीज का बेनिफिट लेने का। ठीक है, दो चीजें हैं कि एक भाई जब वो मेजर बनाए तो इस तरीके से बनाए कि सभी लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक, जो जितने भी सब लोग अफेक्टेड है सबको इक्वल बेनिफिट मिले, और दूसरा जितने लोग भी अफेक्ट होने वाले हैं सबको इक्वल चांस मिले। ठीक है ना, बेनिफिट सबके लिए सेम रहे। ठीक है, जो मेजर्स हैं वो सबके लिए सेम रहे, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रोज, उसके कॉन्स सबके लिए सेम रहे, और जो भी उससे अफेक्ट होने वाले हैं उन सभी को इक्वल चांस मिले कि वो उसका बेनिफिट ले पाए। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं फैक्ट्स की, कि हमसे फैक्ट्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए फैक्ट है, फिर हमारी ये चार क्वेश्चन है। ठीक।